नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को काला तिल और गुड़ का लड्डू बनाना सिखाऊंगी। ये तिल का लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और तिल खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने काले तिल का लड्डू बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया है। इसके लिए मैंने 2 कप तिल को लिया है, 1 कप मैंने गुड़ को लिया है, तिल का आधा मैंने गुड़ लिया है और 1 टीस्पून के लगभग मैंने रिफाइंड को लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया है और ये हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें तिल को डालकर हल्का इसे फ्राई कर लूंगी। ये देखिए, इस तरह से तिल को हमें फ्राई कर लेना है। तिल का तासीर जो है वो काफी गर्म होता है और इसे सर्दियों में लोग खाना पसंद करते हैं। ये देखिए हमारा भून रहा है। तिल जो है 3 प्रकार का होता है, ये काला, सफेद और लाल तिल आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। तिल में कैल्शियम आयरन प्रचुर मात्रा में और भी पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत सी बीमारियों में तिल बहुत ही लाभदायक है। ये तिल हमारा भून चुका है। ये देखिए हल्का चटकने का भी आवाज आ रहा है। ये देखिए इस तरह हाथ से, ये देखिए ये हमारा तिल भून चुका है और अब मैं इसे गैस से इस तरह से उतार कर और इसे प्लेट में इस तरह से डाल दूंगी और अब मैं 1 टीस्पून रिफाइंड को डालूंगी और इसमें गुड़ को इस तरह से डाल दूंगी। ये मैंने गुड़ को इसमें डाल दिया है और इसे मेल्ट कर लूंगी, इसे पिघला लूंगी। और आंच को मैंने धीमा कर दिया है। ये देखिए गुड़ हमारा मेल्ट कर गया है और अब मैं, ये देखिए, और अब मैं इसमें तिल को इस तरह से डाल दूंगी। को डालकर इस तरह से चलाऊंगी और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसे इस तरह से अच्छे तरीके से इस तरह से इसे मिला लेना है। ये मैंने इस तरह से अच्छे तरीके से इसे मिला लिया है और अब मैं इसे इस तरह से प्लेट में इस तरह से निकाल लूंगी। ये देखिए ये मैंने निकाल लिया और इसे हाथ में थोड़ा सा इस तरह से तेल लगाकर मैं इसके इस तरह से लड्डू बना लूंगी। देखिए ये काफी गर्म है। ये देखिए दोस्तों, मैंने सभी लड्डू को इस तरह से बना लिया है। ध्यान रहे कि लड्डू को थोड़ा जब गर्म रहे तभी बांधना है और यदि ठंडा हो जाएगा तो ये जम जाएगा, तो ये थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। ये लड्डू हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है।
सर्दियों में लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं और खासकर हमारे यहाँ तिल संक्रांत में इसे लोग बनाते और खाते हैं। तो दोस्तों आप भी इसे जरूर बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई